गरीब नवाज सूफी मिशन सोसाइटी द्वारा कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण दरगाह क्षेत्र में फंसे हुए सभी धर्म के जायरीनों को 3 मई तक दरगाह कमेटी के गेस्ट हाउस में रुकाने की राजस्थान के मुख्यमंत्री से मांग की है। सोसाइटी के अध्यक्ष शेखजादा जुल्फिकार चिश्ती ने बताया कि अंजुमन कमेटी और यादगार कमेटी के जो गेस्ट हाउस हैं, उनमें भी फंसे हुए जायरीनों को रुकवाया जा सकता है। मुस्लिम समाज के पवित्र रमजान के पहले सभी जायरीनों को निशुल्क कमरे दिए जाएं, साथ ही सभी जायरीनों के खाने की व्यवस्था भी मुफ्त हो और जो मुस्लिम जायरीन हैं, उनके लिए सहरी और अफ्तारी का भी इंतजाम दरगाह से जुड़ी हुई संस्थाओं को करना चाहिए। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में लगभग 5,000 जायरीन 18 तारीख को धारा 144 लागू हुई थी, 20 तारीख को पालना के तहत फिर घोषणा हुई थी कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू है, उसी के बाद से फिर 23 तारीख को राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया था, फिर 25 तारीख को केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया था, फिर उसके बाद 14 तारीख तक इंतज़ार करते रहे, फिर 14 तारीख को फिर 19 दिन का लॉकडाउन हुआ। हमारा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय आली जनाब हृदय सम्माननीय अशोक गहलोत साहब से गुजारिश है आपके माध्यम से कि जैसे राजस्थान में कोटा में 8,000 छात्रों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 222 बसों के माध्यम से बुलाया गया, ऐसे अजमेर में लगभग 5,000 जायरीन जो अलग अलग स्टेटों के हैं उनके मुख्यमंत्री महोदय से बात करके रमज़ान शरीफ से पहले 25 अप्रैल से रमज़ान शुरू होने वाले हैं उससे पहले उनके घरों पर भिजाया जाए ताकि ये रमज़ान वहाँ पर रख सकें। अगर ये व्यवस्था नहीं हो सके तो गरीब नवाज गेस्ट हाउस दरगाह कमेटी का है, अंजुमन सैयद जादगन का गेस्ट हाउस है फूल गली में, दरगाह कमेटी का जो संचालित दरगाह कमेटी उसके कमरे हैं 197 और खुद्दाम ख्वाजा साहब सैयद जादगन के हैं 30 कमरे वाला गेस्ट हाउस, 140 कमरे वाला विथ डिस्पेंसरी भी है। लिहाजा उनको हमने ज़िला प्रशासन को भी और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दे दिया है कि ये वो अधिग्रहण करके रमज़ान में इन जगह पर जायरीनों को ठहराया जाए, 4-4 आदमी को एक कमरा दिया जाए और ज़रूरत पड़े तो और होटल को अधिग्रहण कर सकते हैं अधिग्रहण। ये हमारा मकसद है ताकि सहरी अफ्तार और खाने का इंतज़ाम हो सके, क्योंकि रमज़ान में किसी के परिवार पर भी 4 आदमी भी होते तो भारी पड़ते हैं, हर आदमी का जो घर का खर्चा है वो बढ़ जाता है। अब ये 5,000 जायरीनों का खर्चा ऑटोमेटिक यहाँ के लोग यहाँ के दानदाता नहीं झेल पाते हैं, उन्होंने अखबार में भी घोषणा कर दी कि बहुत हमने जितना हो सका अपनी तरफ से वो करा, इसलिए मानवता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने पत्र लिखा, उस पर माननीय कलेक्टर साहब ने ज़िला पुलिस अधीक्षक महोदय को और नाजिम साहब को भी हमारे जो तथ्य हमने बताए गए जो हमने जानकारियाँ दी गई कि इनको जायरीन को उठाया जाए उन पर जानकारी मांगी है। हम ये चाहते हैं कि जायरीन जो यहाँ पर दुखी है उसकी विशेष मदद रमज़ान में करी जाए और अगर रमज़ान से पहले उनको घर भी जाए।